Hello and welcome to my channel Digital Diaries. Today I'm back with another Bollywood movie review. Yes, you guessed it right. तड़प मूवी जो आज ही रिलीज हुआ है उसी की रिव्यू देने आई हूँ. सो बेसिकली तड़प मूवी इज डायरेक्टेड बाय मिलन लुथरिया एंड रिटन बाय रजत अरोड़ा. एक मूवी था तेलुगु में, 2018 में आया था, RX100 करके. उसी मूवी का रीमेक कहो या जो भी कहो, वही है वही मूवी. एंड दिस मूवी इज अ डेब्यू मूवी ऑफ अहान शेट्टी, सुनील शेट्टी सन. बेसिकली दिस इज अ लव स्टोरी, हार्ट कोर जुनून वाला लव स्टोरी है. जो अहान शेट्टी है उसके कैरेक्टर का नाम है इशाना. बहुत ही ब्यूटीफुल मिसौरी जो टाउन है उधर का रहने वाला है. एंड उसे प्यार हो जाता है एक लड़की से जो लंदन में रहती है और छुट्टियों में अपने पापा और अपनी दादी से मिलने आती है. एंड दैट इज प्लेड बाय तारा सुतारिया. हर कैरेक्टर रोल नेम इज रमीसा. सो रमीसा एंड इशाना की बहुत ही क्यूट स्वीट लव स्टोरी दिखाई जाती है. सो जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ की शुरुआत ऑब्वियसली हमें ये देखने को मिलता है कि जो इशाना है उसको कुछ तो हुआ है, ही इज फेसिंग समथिंग. उसका जो तड़प है वो एकदम शुरुआत में ही दिखाई देता है, एकदम मार धार वो सफ़र कर रहा है. उसकी वजह से उसका रिएक्शन बाहर आ रहा है. सो ही इज फाइटिंग, किलिंग पीपल, ब्लड शेड एंड ऑल, बहुत कुछ होता है. अंदर उसका जो सैडनेस है, जो तड़प है, वो है. अब वो किस वजह से है, क्यों है, वो हमें धीरे धीरे जितना आगे बढ़ता है कहानी उस हिसाब से हमें पता चलता है. तो हियर वी कम टू सी अनदर कैरेक्टर कॉल्ड डैडी. बेसिकली हिज नेम चाहे कुछ भी हो, पूरे मूवी में सब लोग उसे प्यार से डैडी ही बुलाते हैं. ऑब्वियसली इज प्लेड बाय सौरभ शुक्ला एंड ही इज सो इंटरेस्टिंग हिज कैरेक्टर. ही इज इन सो फनी, बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने. तो बेसिकली उसका फॉस्टर सन है इशाना एंड उसको पाल पोस के बड़ा किया है, बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया है. एंड सो ही इज ऑल्सो ट्राइंग कि कैसे अपने बेटे को इस दर्द से, इस तड़प से बाहर ले आओ. तो ही ट्राइज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल्सो देर इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑल्सो, जो अहान शेट्टी मतलब इशाना का जो है, प्लेड बाय स्मित गुलाटी. ही इज ऑल्सो डन अ वेरी गुड जॉब, बहुत ही कॉमिकल टाइमिंग एंड ऑल बहुत ही अच्छा है. तो फर्स्ट हाफ में बेसिकली हम यही देखते हैं कि वो बहुत सफ़र कर रहा है, बहुत तड़प में है. एंड किस तरह से वो जो तड़प है वो उसका बर्स्ट आउट किस तरह से होता है. तो धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है उसकी तड़प का रीज़न क्या है. देन द स्टोरी गोज बैक इन अ फ्लैशबैक मोड. 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है. उधर हमें पता चलती है कि किस तरह से रमीसा एंड जो इशाना है वो दोनों कैसे मिलते हैं, फिर दोनों में धीरे धीरे प्यार कैसे होता है, फिर बहुत प्यार मतलब बहुत ही पक्का रिश्ता बन जाता है एंड दे डिसाइड टू मैरी ईच अदर. तो उसी वक्त कुछ एक होता है जिसकी वजह से ये जो दोनों स्टार क्रॉस लवर्स दे बिकम सेपरेटेड. सो फर्स्ट हाफ में हमें इतना ही पता चलता है, बहुत वायलेंस एक्शन फाइटिंग हमें दिखाई देता है. साथ में कहानी का फर्स्ट हाफ में इतना हमें पता चलता है कि उसका तड़प का रीजन क्या था. बेसिकली उसको प्यार हुआ किसी लड़की से, बट समहाउ वो जो प्यार था वो शायद सक्सेस नहीं हुआ या समथिंग सम ट्रेजेडी हैपेंड इन हिज लाइफ. शादी करने की प्लानिंग किया पर उसके बाद हुआ क्या, दैट वी डोंट नो. देन उसके बाद सेकेंड हाफ जो स्टार्ट होता है, दैट इज ब्रिलियंट. फर्स्ट हाफ ऑब्वियसली नैरेटिव बहुत अच्छा जाया है, जिस तरह से लिखा है रजत अरोड़ा ने, उनका जो स्क्रीन प्ले है दैट इज वेरी गुड. ऑडियंस को बोर होने का टाइम बिल्कुल नहीं देता है. बट सेकेंड हाफ जो है दैट इज फार मोर ग्रिपिंग. जिस तरह से एक्शन है, वायलेंस है, रोमांस है, ट्रेजेडी है, एवरीथिंग इज देयर. साथ साथ दो चार डायलॉग वाला कॉमेडी भी है. सो एवरीथिंग इज देयर एंड इट इज सुपर्ब. सेकेंड हाफ इज जस्ट किलर मैन. एंड अहान शेट्टी इन एक्शन सीन्स इज माइंड ब्लोइंग. व्हाट टू से, ही जस्ट हैज अ स्वैग, ब्यूटिफुल बॉडी बिल्ड अप, एकदम सिक्स पैक अप्स लेके, और उसका जो एंट्री सीन था बाइक में, एवरीथिंग वाज फैंटाब्यूलस. अभी मूवी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली डायरेक्शन मिलन लुथरिया का बहुत ही अच्छा है. बिकॉज जिस तरह से जो न्यू कमर्स है, जो अहान शेट्टी, पूरी मूवी ऑब्वियसली उनका बहुत रोल है, मेन उनका ही ऊपर पूरा कहानी है. तारा सुतारिया ऑल्सो लेंड्स अ वेरी गुड सपोर्ट.
बट एक न्यू एक्टर आपका जो एकदम डेब्यूटेंट है उसके साथ इस तरह का मूवी करना जो बहुत ही इमोशनल काफी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर था, तो हाँ मतलब एकदम जुनूनियत दिखाना, बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिखाना, तो जिस तरह से उन्होंने डायरेक्शन दिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका डायरेक्शन। रिटन बाय रजत अरोड़ा ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है। अभी एक्टर्स की बात करें तो अहान शेट्टी इज वेरी गुड इन द एक्शन सीन्स, बहुत अच्छे से उनके एक्सप्रेशंस आते हैं, बट सिंस ही इज अ न्यू कमर आई फेल्ट लाइक उनके जो इमोशनल सीन्स या कुछ कुछ जो कॉमेडी सीन्स थे उनमें थोड़ा सुधार लाना चाहिए और थोड़ा एक्सप्रेसिव उनको होना चाहिए। डांस में उनको मुझे लगा डांस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा सच कहे तो, वो जो मूव्स एंड ग्रूव्स होते हैं डांस का वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। देन कम्स तारा सुतारिया, शी इज अ ब्यूटी, बहुत खूबसूरत लग रही थी एंड उसकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट हाफ में बहुत ही स्वीट क्विक क्यूट चुलबुली बबली सा उसका जो रोल था बहुत ही अच्छा था। फिर सेकेंड हाफ में एक ट्विस्ट आता है, ऑब्वियसली वही मेन पॉइंट है, फर्स्ट हाफ इज गोइंग ऑन हमें लगेगा कि जैसे जो नेचुरल ऐसे टाइप की मूवीज होते हैं लव स्टोरी, एक लड़का एक लड़की प्यार करते हैं बट बाप बन जाते हैं विलेन एंड क्या मतलब ऐसी नॉर्मल स्टोरीज है, वही ये भी दैट इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ स्टोरी बट विथ अ वेरी डिफरेंट ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है, वो क्या एक्चुअल में हुआ था वो आपको सेकेंड हाफ में मिलेगा एंड सेकेंड हाफ में तारा सुतारिया की एक्टिंग इज माइंड ब्लोइंग। जिस तरह से वो अपना फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज करती रहती है दैट इज वेरी गुड। शी इज ऑल्सो आई मीन वेरी यंग वेरी न्यू ऑल्सो, ज्यादा मूवीज उन्होंने किया नहीं पर हर एक मूवीज में उन्होंने एक से बढ़कर एक काम करने की कोशिश किया एंड ऑब्वियसली शी शाइन्स आउट इन अ रोल। एंड देन ऑब्वियसली कुमुद मिश्रा एज मिस नाटियाल जो मतलब तारा सुतारिया की फादर के रोल में थे, ही ऑल्सो डिड अ वेरी गुड जॉब एंड सौरभ शुक्ला व्हाट टू से ही इज अ टोटली एन आइसिंग ऑन द केक जिसको कहते हैं, जिस तरह से कॉमेडी सीन्स हो या इमोशनल वल्नरेबल सीन्स हो ही इज जस्ट माइंड ब्लोइंग इन हिज सीन्स। मूवी का म्यूजिक जो है म्यूजिक स्कोर बाय जॉन स्टीवर्ट एडुरी इज ऑसम एंड जो सॉन्ग्स है प्रीतम का क्या बोलूँ इस मतलब ये जो सॉन्ग्स बनाया गया है ना तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया है ये जो गाना है ना ये आगे गूंजते रहेगा आपके कानों में। ऑब्वियसली पहले भी आपने सुना है तब भी ऐसा ही फीलिंग आया है और मूवी देखने के बाद जिस तरह से इंसिडेंट्स जो सीन्स जिस तरह से जो हुआ है एंड इस गाने के टाइम जो एडिटिंग हुआ है हैट्स ऑफ टू द एडिटर राजेश जी पांडे, जिस तरह से वो एडिटिंग किया है ना म्यूजिक के टाइम गाना मतलब किस तरह से एक हैप्पी मतलब क्यूट मतलब क्यूट तो नहीं बट हैप्पी एक ग्लोरियस मोमेंट के साथ साथ कंबाइन करके एक सैडनेस एक वल्नरेबल एक एक्शन सीन को मतलब मैच एंड मिक्स किया है वी आर सीइंग दैट इज वेरी वंडरफुल। एक मतलब अहान शेट्टी का जो कैरेक्टर था इशाना के साथ जो हो रहा था उधर साइमल्टेनियसली उस तरफ जो रमीसा के साथ हो रहा था सेम टू सेम वो सीन जिस तरह से मैच एंड पैरेलल्स में दिखाया गया दैट इज हैट्स ऑफ टू इट। और वो साथ में तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया वो गाना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सालों तक ये गाना मतलब चार्ट बस्टर बनने वाला है और आपके कान में मतलब आफ्टर द सीइंग द मूवी व्हेन यू कम आउट इट विल लिव विद यू, इस तरह से इतना अच्छा गाना है। और भी फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छे ये सेकेंड हाफ में आता है ये गाना, फर्स्ट हाफ में भी जो गाने हैं दैट इज ऑल्सो ऑसम, तेरे सिवा वो जो गाना है दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल वेरी व्हाट टू से लाइवली, साथ में वो थोड़ा पार्टी शार्टी जिस तरह से दिखाया ये दोनों सिगरेट पी रहे हैं एंड ऑल क्वाइट लाइवली एंड वेरी ब्यूटिफुल एंड सॉन्ग्स बाप लेवल का सॉन्ग्स है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग्स है। All the songs और जो background music हमेशा जो बजते रहे एकदम starting में ही है अहान शेट्टी ऐसे जा रहे हैं he's imagining कि सामने तारा सुतारिया खड़ी है और वो एक hug देता है and suddenly that vanishes and उसका जो scene का total presentation था it was awesome, मुझे बहुत अच्छा लगा। So songs जो है वो बहुत आगे तक ये आपके कानों में गूंजते रहेंगे। सिनेमाटोग्राफी जिस तरह से टॉप एंगल से मिसौरी का हिल एंड टाउन का वो सब शॉट्स दिखाया गया है दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। हाँ एक्शन वायलेंस बहुत ज़्यादा है सो मे बी एल्डरली जो ऑडियंसेस हैं उनके लिए थोड़ा मतलब लेडीज खास करके उनके लिए थोड़ा लगेगा कि बहुत ओवर द टॉप हो रहा है ब्लडी ब्लडी एंड ऑल, बट साथ में जिस तरह से एक स्वीट एक ब्यूटिफुल लव स्टोरी भी है ना
दैट विल ऑल्सो कैप्टिवेट एवरीवन. जो यंग ऑडियंसेस है उनको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे जुनून वाला प्यार एंड ऑल सब लोग देखना पसंद करते हैं. हमने कबीर सिंह भी देखा था कितना हिट हुआ था, ये भी उस तरह का जुनून वाला लव स्टोरी, एक्शन फाइट प्यार फुल इमोशनल दर्द भरा जो प्यार है सब कुछ है, तो सभी ऑडियंसेस को पसंद आएगा. ये मूवी ऐसा है जो मासेस को भी बहुत अच्छा लगेगा, साथ में जो क्लासेस है उनको भी काफी अच्छा लगेगा. हो सकता है थोड़ा बहुत एक्शन सीन्स दे कैन जस्ट टर्न देयर आईज लाइक दिस, बट बाकी जो मूवी का स्टोरी है दैट विल क्वाइट एंगेज यू. ओवरऑल द मूवी इज क्वाइट एंटरटेनिंग एंड वेरी मच इमोशनल. No one will just come out of the hall with just so, I mean, with dry eyes. सबको रोना तो पड़ेगा. ये मूवी ऐसा है कि गुनगुला के रख देते हैं भैया. तो बेसिकली यही था मूवी. जाइए थिएटर में, अभी चल रहा है, आज ही रिलीज हुआ है, बहुत ही अच्छी मूवी है. एंड इफ आई हैव टू मार्क दिस मूवी ओवरऑल देन सॉन्ग्स एक्टिंग डायरेक्शन एवरीथिंग देख के आई वॉन्ट टू गिव 3.5 out of 5. सो अहान शेट्टी का ये पहला मूवी है एंड आई जस्ट होप कि आगे जो भी उनका मूवीज आएंगे ही विल क्वाइट इम्प्रूव इन दोज इमोशनल एंड लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी सीन्स एंड डांस भी थोड़ा और मुझे लगता है कि थोड़ा और एनर्जेटिक और एक्सप्रेसिव होना चाहिए, पर हो जाएगा. इट्स जस्ट न्यू फिल्म एंड इट्स इज अ डेब्यू फिल्म एंड इट वॉज लुकिंग सो गुड. सभी पोटेंशियल्स हैं, बस उसके ऊपर थोड़ा वर्क करना है. एंड तारा सुतारिया एज यूजुअल वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी गुड. सो ओवरऑल 3.5 out of 5. सो गाइज, आपकी नज़दीकी सिनेमा घर में जाके ये मूवी ज़रूर देखिए. बहुत ही अलग टेस्ट का, बहुत ही इन्जॉयबल मूवी लगेगा. इट्स नॉट लाइक दैट सुपर स्टार वाला धम धड़क्का वाला जो रोहित शेट्टी का मूवीज होते हैं, वैसा टाइप का तो नहीं है, पर बहुत ही डीप एंगेजिंग स्टोरी लाइन के साथ है, जो मैं आई जस्ट गारंटी कि सबको बहुत अच्छा लगेगा एंड सबकी दिल छू जाने वाली है. एंड गाने और मतलब मूवी में अगर आपको कुछ नजर नहीं है कुछ, अगर आपको बाय एनी चांस मैं कह रही हूँ, बट ये होगा नहीं, पर मूवी अगर आपको इंटरेस्टिंग ना भी लगे पर जो गाने हैं वो आपको एकदम गूज़बम्प्स दे के रहेंगे. सो एवरीथिंग इन दिस मूवी है, इट इज अ पोटेंशियल टू बिकम अ गुड हिट. अभी देखते हैं कैसे क्या होता है. इट इज नॉट अ बिग स्टार फिल्म, सो लेट्स सी ऑडियंस रिएक्शन क्या होता है. पर आप लोग प्लीज मेरी मानिए एंड थिएटर में जाके ये मूवी जरूर देखिएगा. सो आज के लिए बस इतना ही. आई जस्ट होप कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो. सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको कैसा लगा हो, और आपने अगर मूवी देखा है तो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताइए. एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल. आई विल बी सून बैक विद रिव्यू ऑफ अदर फिल्म्स और बिग बॉस और एनीथिंग. सो तब तक के लिए Take care and bye-bye.